अंबेडकर नामा और पीपल्स मार्क्स की यह साझा प्रस्तुति है। नौजवान यूट्यूबर हैं विशाल, उनसे मुलाकात हुई, उनका आग्रह था कि उनके चैनल के लिए भी एक वीडियो हम बनाएं। तो ये साझा वीडियो है, अंबेडकर नामा पे भी जाएगा और पीपल्स मार्क्स पे भी जाएगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अंबेडकर साहब के एक भाषण पे। वो 14 जनवरी 1946। अंबेडकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करते थे, वो अपने संगठन से क्या उम्मीद करते थे, वह टिकट किन आधार पर देते थे। गांधी को उनकी तुलना उन्होंने दुर्योधन से क्यों की, ये तमाम बातें इस एपिसोड में बताएंगे आपको। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए लिए चलते हैं 16 जनवरी 1946। उस समय डॉक्टर अंबेडकर लेबर मेंबर थे, वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे और इलेक्शन कैंपेन में थे। उस समय 1946 में इलेक्शन होना था। सोलापुर उन्होंने जोरदार जबरदस्त शानदार भाषण दिया था, थोड़ा सा लंबा है, इत्मीनान से सुनिएगा। और उसकी तुलना आज के नेताओं दल और संगठन से करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी समस्याओं के बहुत सारे जवाब आपको इस भाषण में मिल जाएंगे। ले चलता हूं सीधे और इसका रेफरेंस पहले बता देता हूं। वॉल्यूम 40 आप देखिए हिंदी वाला, पेज नंबर 3 से 7 तक आप जाकर देखेंगे, वहां यह भाषण मिलेगा। और कार्यकर्ताओं से एक खास अपील करते हैं कि कार्य कुशल न हो तो भी चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अस्पृश्य भाई बहनों को चुनाव के संदर्भ में 2 शब्द कहने की मुझे वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का आग्रह है कि मैं मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरा अपने समाज पे पूरा विश्वास है। पूरे अछूत समाज का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को उन्होंने जो पार्टी बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बाद, सेकेंड पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समर्थन है, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है। अस्पृश्य समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ज्यादा समझदार हुआ है, ऐसा मुझे लगता है और इसमें कोई शक नहीं। वो अपना हित और अहित समझता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं इशारा करता हूं तब भी पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा से पालन करता है। कुछ लोगों को आपत्ति है, आगे कहते हैं, ये नेता लोग भी सुन रहे कि उनकी बात कार्यकर्ता मान रहे कि नहीं मान रहे, इसलिए जानना जरूरी है। कुछ लोगों की आपत्ति है कि मध्य प्रांत की 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिली। जवाब में मैं कहूंगा कि केवल मैदान में उतरना, बाजी मार लेना नहीं होता है। हम अस्पृश्यों का अभेद किला मुंबई में है, उसे अगर विपक्ष जीत ले तो हम पगड़ी उतारकर उनकी शरण में आएंगे। यह था आत्मविश्वास डॉक्टर अंबेडकर का। कांग्रेस का प्रचार हवाई जहाज, रेल, मोटरगाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, घमंड और बड़बोलेपन के साथ देश की सारी जनता हमारे साथ है कहने वाले इन लोगों को हवाई जहाज से उड़ने की क्या जरूरत है? ये लोग पूरे देश को क्यों मत रहे हैं? जब सारे देश के लोग आपके साथी हैं, तो देश में घूम क्यों रहे, हवाई जहाज से उड़ क्यों रहे, क्यों इतना हल्ला हुल्ला मचा रहे हैं? चुनाव प्रचार के लिए मैं केवल 4-5 जगहों पर ही गया हूं। मैं पूछता हूं कि अगर जनता कांग्रेस के साथ है तो यूं रुपया लुटाते हुए हवाई जहाज, रुपया, गाड़ियां लेकर पोत राज की तरह क्यों घूम रहे हैं? उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, तो संदर्भों के हिसाब से आप समझिए कि किसको इससे आपको बहस करनी है। आगे कहते हैं कि आने वाले चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, आगामी चुनाव एक संग्राम है, युद्ध है। और जो मेटाफर ले रहे हैं, ये महाभारत से वो प्रतीक ढूंढ कर ला रहे हैं। कौरव पांडवों की युद्ध की तरह ये लड़ाई भी होगी। कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने बीच बचाव किया, लेकिन दुर्योधन ने घमंड में आकर कृष्ण से कहा
कि सुई की नोक पर लगी मिट्टी के बराबर भी पांडवों को नहीं मिलेगा। युद्ध टालने के लिए सुलह सलाह कराने की के लिए मैंने गांधी जी को खत लिखा। अपना मान सम्मान भुलाकर, अपने नेता होने को भुलाकर मैंने उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता था कि सेकंड राउंड टेबल जैसे हालात पैदा हो, सेकंड राउंड टेबल में जो बहस हुई थी वो हालात पैदा हो। मैं आपसी बैर नहीं बढ़ने देना चाहता, अपने समाज का हित चाहता हूं और राजनीतिक मांगों के सहारे समस्या हल करने की कोशिश की जाए, इसके लिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। तब मेरी सुलह की मांगों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में समानता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले गांधी जिन्ना के घर जाकर उनके साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा यदि गांधी जिन्ना के पास जा रहे हैं तो मुझसे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा समान दृष्टिकोण था वह तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बताएगा। राज्य केवल अपने अकेले की कमाई नहीं है, राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं है, वह तो दोनों का प्रयास है। ऐसे में सुई की नोक की बराबर इतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी। कहने वाले दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। गांधी की तुलना दुर्योधन से कर रहे हैं अंबेडकर। समझौते की बातचीत खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जब दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हैं तो अस्पृश्य समाज को अपने शौर्य पौरुषत्व दिखाते हुए इस युद्ध में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताकर कांग्रेस को, गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बता देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम अपना पक्ष संभाल लेंगे। क्या आज की दलित राजनीति और राजनेताओं की इतनी राजनीतिक हैसियत है, बोल सके हम अपना पक्ष संभाल लेंगे? ये है बात। भावी संविधान की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भावी संविधान तय करते समय अछूतों का पक्ष हम भी मजबूती के साथ रखें। इस बार के इलेक्शन सीधे साधे नहीं है। शिक्षकों का वेतन, खेती पर लगान कम करना इत्यादि मुद्दे हैं। बूंदी के लड्डुओं का खाना पाने के समान इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंग्रेज के चले जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी या भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए ही तय होना है। चुनाव के मौके का फायदा उठाते हुए कई घोषणा पत्र जारी हुए हैं लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, आ गए ना, तो घोषणा पत्र में सबके अच्छे दिन आते हैं। सबका साथ सबका विकास ले लिए, ओके गुड। घोषणा पत्र में कहीं बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं? सोचिए, आज भी सोचिए, हम अपना रोना लेकर किसके पास जाएंगे? यह लड़ाई सत्ता की है, लड़ाई सत्ता की है, समझिए। आगे कह रहे हैं कि रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत हमारे समाज पर ना आए, पेट पालने की समस्या का हल हो, सम्मान के साथ हम जी सके, इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है, वही पाने के लिए हमारी लड़ाई है। अब गांव के लोकल पॉलिटिक्स पे वो बात करते हैं। कहते हैं गांव का मुखिया या जमींदार अब पीटता है तब अस्पृश्य समाज की शिकायत सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जाति का होता है। जीवन पर हमारा जीवन भर आज भी वही स्थिति है। आज भी एफआईआर नहीं होती, रेप मर्डर हो जाती, लेकिन जब तक हंगामा नहीं हो नहीं होती। आगे कहते हैं कि जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा। हमारी लड़ाई इसलिए है कि जो अंग्रेजी राज में हो रहा है वो आने वाले राज, भावी राज में ना हो। जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी, ये बात नोट करिए, जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। आज सेक्युलर स्टेट में स्टेट राम मंदिर बनवा रहा है, तो
किसके हाथ में सत्ता जा रही है, आप गुलाम रहेंगे कि आजाद रहेंगे, ये आपको तय करना है। मैं तो अम्बेडकर पढ़ के आपको सुना रहा हूं। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि सबका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वह दे, उसे पाना हमारा हक है। कितना गंभीर बात है, लेकिन आजकल वोट लेकर नेता जो है पूरी पार्टी सहित बिक जाते हैं। वोट लेने के बाद वोट नहीं बिकता है, नेता ही बिक जाता है पार्टी सहित। ये दिलचस्प टर्निंग है, ये शायद उनके जहन में उस समय नहीं आया होगा। आगे इस बार हम अगर अस्पृश्य समाज नहीं जगा तो पेशवा युग की तरह फिर अस्पृश्यों के कमर में झाड़ू और गले में मटके की नौबत आएगी। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। उम्मीदवार से निजी मतभेद, अदावत आदि को भुलाकर दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट दें, और याद रहे कि वोट देना दलित फेडरेशन को ही वोट देना है। मान लीजिए फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद खड़ा हूं, तो इलेक्शन मैंने लड़ा है एक विधानसभा, तो मैं अनुभव बता सकता हूं। जो सवर्ण होते हैं ना, उनमें आपस में 302 का मुकदमा चलता रहता है, तब भी सब एक जगह जाकर वोट देते हैं, अलग अलग गमछा लपेटे अलग अलग टाइम में जाकर वोट देते हैं, क्योंकि उनका क्लास इंटरेस्ट पता है। हमारे लोग अगर आप चुनाव में खड़े हैं तो उसी दिन बचपन में गिल्ली डंडा खेलते हुए झगड़ा हुआ था उसी दिन याद करेंगे कि मारा था एक डंडा मुझे, इसको वोट नहीं देना। तो ये कह रहे हैं, बात समझिए, ये मैं अनुभव से बता सकता हूं। चलिए, विधिमंडल में ब्राह्मण और बनियों के कंधा से कंधा मिलाकर 15-20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे, इसका इंतजाम, इसकी स्थिति तक मैंने पहुंचा दिया, इसका इंतजाम कर दिया है। इस अटूट संगठन को मिट्टी सीमेंट लगाकर मैं मजबूत करना चाहता हूं। हमें अपने इस किले को अभेद्य रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर अगर हम पर हमला करें तब भी यह किला अभेद्य रहेगा, उसे चोट न पहुंचे, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था मैंने कर दी है। आगे उन्होंने कहा कि किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर समय एक एक चीज, जब मैं कोई रूपक इस्तेमाल करता हूं तो मेरे कई 2 रुपया लेके कमेंट लिखने वाले साथी कहते हैं, देखिए मनुवादी होगा, यहां अंबेडकर पूरे महाभारत और रामायण से रूपक ले रहे हैं, अगर यहां से नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे, जरा ये भी ऑप्शन बता दीजिए कि रूपक कहां से लिया जाए। किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अस्पृश्यों में मतभेद है, यह कहकर हमारे विरोधी हमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है। मुंबई के पिछले प्राथमिक चुनाव में बहुसंख्यक महान मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवार को खड़ा करके मैंने उसे जितवाया। कांग्रेस का टिकट हो तब भी ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देंगे, लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसे भेदभाव नहीं है। अब जो प्रलोभन दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं द्वारा, उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, यह काम करेंगे, वो काम करेंगे, फला देंगे आदि कई तरह के प्रलोभनों को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है। यह अब साबित हो चुका है, हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमने कड़ी परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को चुना है, हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों के पालन करने वाले हैं। तो जैसा नेता होता है वैसा ही उम्मीदवार चुनता है, आजकल जो नेता है जैसा है वैसा ही उम्मीदवार चुनते हैं, तो ये बात खेला समझने की। उन्होंने उदाहरण दिया अम्बेडकर ने कि मुंबई असेंबली में कांग्रेस मंत्रिमंडल का कामकाज 2 वर्ष 7 महीने चला, तब स्वतंत्र मजदूर संघ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो अंबेडकर की पार्टी थी, के 15 निष्ठावान सदस्यों ने किसी से हार नहीं मानी, उन्हें फुसलाने की महती कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहे। विद्वान कार्यकुशल न भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोगों में निष्ठा होना बहुत जरूरी है, ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए
मैं हूं ना, अंबेडकर कह रहे हैं, पढ़ना लिखने का देख लेंगे, लेकिन निष्ठावान नहीं। जो बिक सकता है, लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं। अपने अपने पर और भावी पीढ़ी पर, अपने पर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ी की राह आसान करना अपना कर्तव्य है। हमारे पुरखे पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते रहे हैं, क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? जनता से आवाज आई, नहीं नहीं नहीं। हर पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयों को हटाने की वे कोशिश करें। मुसलमानों को जो पाने में 20 वर्ष लगे हैं, वही हमने 2 सालों में कर लिया है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम को जो अधिकार मिले उसे 20 वर्ष लगे हैं, हमने 2 वर्षों में ही हासिल कर लिया। यह महत्वपूर्ण बात है। मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूं, मेरे टेबल पर एक घंटी है। उस घंटी को बजाते ही मेरा चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार हाजिर होता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूं तब मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा है, वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 और देव रुपकर को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा याद किया जाएगा। शायद वहां के लोग भी आजकल याद नहीं करते होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कमी रह जाती है पढ़ाई लिखाई में। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है, मुस्लिम लीग के ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आए। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से अधिक संगठित है। उसकी एक वजह है, मुस्लिम घेरे के अंदर हैं और हम घेरे के बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अस्पृश्यों को राजनीति की समझ नहीं है, यह कहना पूरी मूर्खता है। आज झगड़ा किस बात पर है? आगे कहते हैं, अंग्रेज इस देश से जब चले जाएंगे, तब कौन राज करेगा, हिंदू या मुसलमान, या फिर दोनों मिलकर शासन करेंगे? कौन राज करेगा? हमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई किस बात की है, यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम सत्ता चाहते हैं, हम हिंदुओं का राज नहीं चाहते, हम भीख नहीं मांगते, हम सचमुच का स्वराज चाहते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मुसलमान जो मांगते हैं कांग्रेस उन्हें देती है। मुसलमानों की आबादी 25% है, उन्हें 33% सीटें मंजूर हैं। अब वे 50% की मांग करते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला परिषद के दौरान उनकी यह मांग भी मंजूर करने के लिए कांग्रेस तैयार थी, और हमारे वाजिब हक के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? अस्पृश्यों को हम सुई की नोक के बराबर मिट्टी नहीं मिलेगी। पेशवाई को फिर आने नहीं देना चाहते हो तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मुंबई असेंबली के लिए मैंने आपके जिले में जीवप्पा एदाले को चुनाव में खड़ा किया है। जीवप्पा केवल निमित्त मात्र है, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे वोट दें। आगे कहते हैं, अब अंतिम चरण में उनका भाषण है, लंबा भाषण था। मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, और यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है। मांग और भगियों के साथ मैं खाना खाता हूं। जातिवाद का मैं कट्टर दुश्मन हूं। मैं चाहता हूं कि आपसी जातिवाद जल्द से जल्द मिटे। ब्राह्मणों द्वारा यह जातिवाद पैदा किया गया है। मेरे फेडरेशन में जातिवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। मांग, भंगी, चमार आदि सभी के साथ मैं समानता से पेश आता हूं। महार जाति में मैं पैदा हुआ हूं, यह मेरा दोष नहीं है। मुंबई में 90% महार थे, लेकिन मुंबई में चमार समाज के देव रुखकर को मैंने खड़ा किया है। बढ़ई बढ़ई को वोट देगा, मनिहार मनिहार को वोट देगा, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको अपना वोट
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को देना चाहिए। दूसरा उदाहरण नासिक में 90% महार है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी चुनाव में भंगी को खड़ा किया मैंने और महारों ने उनको जिताया। ये सब सीख लेना चाहिए आज के नेता सब। खान देश में एक मांग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, नॉमिनेशन पेपर दर्ज करने के लिए तय समय पर उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए वो नामांकन नहीं कर पाया। और यहां छात्रों, विदेश जाने वाले छात्रों की बात बार बार होती, वो कहते हैं 2 माह पूर्व दिसंबर 1945 अपने 30 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिलायत भेजा, उन्हें मांग महार ढोर और भंगी भी हैं, मैं जातियों के बीच भेदभाव नहीं करता। बीजापुर, अहमदनगर, बेलगांव, इन 3 जगहों पर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत के सभी प्रांत मुझसे आप अभी तक हमारे यहां क्यों नहीं आए सवाल करते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुंबई इलाके में चौंकाने वाले राजनीतिक विकास हुए हैं। लगता है यहां बीजापुर जिले के भी कुछ लोग हैं आए हुए हैं, वे अपने क्षेत्र में काले को वोट दें और अहमदनगर के मतदाता रोहम को वोट दें। अंतिम में कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, मृत्यु का भय किसे है? एक गांगुर्दे मरा तो क्या हुआ, घायल अन्य 300 लोग मरे तो भी क्या, तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे जैसी धमकियां वाले गुमनाम खत न आए हो, ऐसे लगातार 6 महीने कभी नहीं गुजरे, हर समय उनको धमकियां मिलती रहती। इन चुनावों में सबको चाहिए कि वे निडर रहें और गुलामी खत्म करने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को अपना वोट दें। यह अखिल अस्पृश्य समाज की लड़ाई है, यह बात ध्यान में रखें। बिगुल बजने पर सेना में जिस प्रकार सभी सैनिक इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार हर स्त्री पुरुष को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। तो ये था चुनाव प्रचार में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण, उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आप समझ सकते हैं और कैसे उम्मीदवार चुनने हैं, संगठन को कैसे अपील करना है, पार्टी के बारे में क्या है, ये तमाम बातें इसमें आई हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। और साथ में आप पीपल्स मार्क्स, ये यूट्यूब चैनल है और विशाल आए हैं और उनके आग्रह पे ये वीडियो उनके लिए भी है, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।